सच साहस सरोकार। गुजरात विधानसभा चुनाव में आपने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट। मराठी फिल्म हर हर महादेव के निर्देशक अभिजीत देशपांडे को मिली पुलिस सुरक्षा। हिमाचल के पालमपुर में पहुंचे सीएम योगी, सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। एलजी मनोज सिन्हा के पैतृक घर में हुआ कार्यक्रम, कई बड़े नेता हुए शामिल। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी ने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक मंच पर भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान भारत के बिना निकल सके। साथ ही कहा कि जब भी दुनिया पर कोई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के ऊना में अपने संबोधन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से कांग्रेस का साथ ना देने का भी अनुरोध किया था। गठबंधन सरकार का ही चमत्कार था। कोरोना जैसी महामारी के सामने जहां दुनिया के विकसित देश स्पष्ट हो गए, भारत मजबूती के साथ डटा रहा। पहली बार हुआ है किसी महामारी के आने के साथ 9वें महीने में एक नहीं दो दो स्वदेशी वैक्सीन भी भारत की मार्केट में आ गए थे और लोगों को फ्री में वैक्सीन लगने प्रारंभ हो गए। ये पहली बार हुआ है। ये नेतृत्व का कमाल है, डबल इंजन सरकार की ताकत है। लखनऊ में बड़े स्तर पर डेंगू संचारी रोग की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी ने प्रदेश भर में इसकी रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। यह अभियान बड़े स्तर पर नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मंडलायुक्त की टीमों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जाँच के लिए मंडलायुक्त ने अचानक इंदिरा नगर गाजीपुर मलिन बस्ती का निरीक्षण किया, जिसके बाद कामों के प्रति लापरवाही मिलने पर सफाई निरीक्षक को निलंबन करने के निर्देश दिए। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध अनूप शहर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा स्नान करने का श्रद्धालुओं का जनसैलाब पहुंच रहा है और वहीं घाटों पर सभी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने मेले को 3 जोन में और 14 सेक्टर में विभाजित किया है। साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों के साथ PAC के जवान भी तैनात किए गए हैं। बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र में गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे टेम्पू को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर होने से पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि वहीं इस घटना से परिजन का रो रो कर बुरा हाल है, जिसके बाद घायलों को ग्रामीणों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और शहर पर आ गया, नहीं ट्रैक्टर आया, रोड पे आ गया, रोड पे आ गया, कंट्रोल से बाहर था ट्रैक्टर। हमने बचाने में ट्रैक्टर में लगे टेम्पू और टेम्पू पलट गया, उसमें 2 एक्सपायर हो गए, विश्वास और पूजा 3 घायल हैं। सर आप उस जब घायल होने के बाद फिर आपने पुलिस को फोन नहीं किया? पुलिस को फोन करा था, कॉल गई नहीं, फिर एम्बुलेंस बुलाई हमने, जब उनको हॉस्पिटल लेकर पहुँचाई। इस टाइम जो एक्सपायर थे वो कहाँ हैं?
छतारी पहासू रोड पर थाना छतारी अंतर्गत एक ऑटो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गया, जिसकी वजह से उसमें बैठे हुए यात्रियों में से दो लोग, एक पुरुष और एक लड़की, घायल हो जाते हैं। और अपने लेवल से ही ये लोग वहाँ से चूँकि अलीगढ़ नजदीक है मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं। बाद में पता चला कि चोटें ज़्यादा होने की वजह से इनकी मौत हो गई। ये दोनों ही लोग पहासू क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके लिए विशेष कार्यवाही पंचायतनामा PMR आदि की कार्यवाही मेडिकल कॉलेज द्वारा संपन्न। गाजियाबाद में अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा है, जिसमें नाबालिग लड़के और लड़कियां जमकर सिगरेट के धुएं उड़ा रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है, जिसके चलते हुक्का बार संचालक भी बेखौफ नजर आ रहे हैं। पूरा मामला थाना लोनी बॉर्डर का है। पश्चिमी देश गिनी में मर्चेंट नेवी शिप के 26 क्रू मेंबर्स को गिनी नेवी ने बंधक बना रखा है। गिनी नेवी ने शिप के क्रू मेंबर्स पर चोरी का आरोप लगाया है। पिछले कई दिनों से क्रू मेंबर्स को बंधक बनाकर रखा गया है। वहीं कानपुर के रोशन अरोड़ा भी इस शिप में शामिल हैं। तो भारतीय मर्चेंट नेवी के असिस्टेंट ऑफिसर हैं रोशन अरोड़ा ने अपने घर पर फोन करके बंधक बनाए जाने की जानकारी दी है, जिसके बाद से ही कानपुर के गोविंद नगर में रहने वाला रोशन अरोड़ा का परिवार अपने बेटे को खतरे में पाकर रो रो कर बेहाल है और अपने बेटे को छुड़ाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मैं रोशन अरोड़ा, थर्ड ऑफिसर, प्लीज हमको यहाँ से निकाल लीजिए। मैं हेरेक उडंग में हूँ और हम लोग यहाँ पे इक्वाटोरियल गिनिया में पिछले 85 डेज से फंसे हुए हैं। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। चीफ ऑफिसर को ऑलरेडी यहाँ की नेवी ले जा चुकी है और हम लोग को रात को नाइजीरियन नेवी के हवाले कर दिया जाएगा, रात को या कल सुबह अभी पता नहीं है। और ऑलरेडी कमांडर आ चुके हैं, अब हम लोग को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें वहाँ जाने से रोकिए। प्लीज़ आई एम वेरी वेरी मच श्योर दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर विल हेल्प अस आउट एनी वे। थैंक यू, प्लीज़। लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन ने मंगेलगंज के चपरतला किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में किसान मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाने पर अड़े हुए थे, जिसे किसान नेताओं ने वार्ता करने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि जिला स्तरीय अधिकारियों के ना पहुंचने से आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था। इसके बाद CDO के मौके पर आने के आश्वासन के बाद जाम खुलवाया गया। ADM संजय सिंह और अपर मुख्य अधीक्षक अरुण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे थे। अगर इन सारे विभागों के विभागाध्यक्ष आकर के हमको निर्धारित समय बताते हैं समस्याओं के निदान के लिए, तब तो ठीक है, लेकिन जो समय था वो 3:30 बजे तक का था। 36 दिन का आंदोलन, फिर महापंचायत, अब 3:30 बजे हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो मजबूरन हमको विवश होकर के उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, सड़क पर बैठेंगे, किसी भी यात्री वाहन को, किसी भी इमरजेंसी वाहन को, एम्बुलेंस सब वाहन को नहीं रोकेंगे, सबको भेजेंगे, माल वाहन, शासन और प्रशासन के लोगों को रोकने का काम करेंगे। जब तक समस्या समाधान नहीं हो जाएगी तब तक आंदोलन जारी। छत्तीस दिन से बराबर इन लोगों का धरना चल रहा है, क्या कारण है प्रशासन की मांग के लिए? लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस जनता की मदद के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रही है। आपको बता दें कि कमिश्नरेट पुलिस ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहती है जिनका कोई आपराधिक इतिहास ना हो, SDPO कार्ड का दुरुपयोग ना करें और किसी पार्टी विशेष से संबंधित ना हो। पुलिस बल की कमी और बड़ी जनसंख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
जनपद कानपुर नगर थाना चौबेपुर के ग्राम बिकरू में घटित घटना की एसआईटी जांच की संस्तुति में एसपीओ की नियुक्तियों के संबंध में बताया गया था। एसपीओ मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जिसको विशेष पुलिस अधिकारी कहा जाता है। इसी पत्र के अंतर्गत इसका अवलोकन किया गया और इसमें पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में ये प्रणाली अब स्टार्ट की जाएगी। इसमें कुछ बातें बतानी हैं। ये जो विशेष पुलिस अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति व कर्तव्यों आदि के संबंध में पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17, 18 एवं 19 एवं पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 27 के पैरा 368 में इसका उल्लेख किया गया है। रायबरेली में गांव दिवीहाई में सामुदायिक शौचालय निर्माण में पीली ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी वजह से लोगों में आक्रोश का माहौल है। वहीं गुस्साए लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों में की तो अधिकारी मामले को टालते नजर आए। मसाला सारा सब सही है, बाकी पीला ईटा है। पीला ईटा का पीला ईटा। ये किस चीज का निर्माण हो रहा है यहाँ पे? लैट्रिन का। लैट्रिन का सरकारी लैट्रिन है? हाँ जी सरकारी है। अच्छा, पीला ईटा का प्रयोग हो रहा है? बस पीला ईटा का। लैट्रिन का ईटा का, किस ईटा का प्रयोग हो रहा है? इसमें वही है, पिल्ला और करावा की दोनों है। दोनों ईट ईटा का क्वालिटी सही है कि नहीं सही? नहीं सही। तुम लोगों को किसी ने धमकाया घुकाया कुछ? ना ना कोई नहीं कहा, कुछ नहीं। कोई पैसे के लेन देन तो नहीं? किस? ना ना कोई बात नहीं। संभल में चंदौसी की इंदिरा नगर कॉलोनी में डीएम के आदेश पर नवजात शिशु के शव को जमीन से निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि महिला ने स्वस्थ नवजात शिशु को जन्म दिया था, जिसके कुछ समय बाद मौत हो गई। परिजनों ने नवजात शिशु के शव को दफना दिया। जन्म के बाद परिजनों ने नवजात की मौत के लिए सरकारी अस्पताल की लापरवाही बताई थी। देखिए, इसमें बच्चे की डिलीवरी हुई थी करीब दोपहर के 11:30 बजे। जच्चा और बच्चा दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे, बिल्कुल ठीक थे। डिलीवरी के समय बच्चे को धूबी पिलवाया गया और उसके बाद बच्चे को माँ की दादी, बच्चे की दादी को दे दिया गया। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था। और उसके बाद ये लोग कब बिना बताए बच्चे को ले गए यहाँ से? किसी को सूचित नहीं किया इन्होंने। और उसके बाद ये लोग शाम को आकर के हम पे आरोप लगाते हैं कि आपने बच्चा हमें नहीं दिया, जबकि बच्चे को ये जब चुपचाप ले गए तो इन्होंने कहाँ ट्रीटमेंट कराया, कहाँ क्या किया, ये कुछ भी बताने में तैयार नहीं है इस बारे में। ये गायत्री पत्नी प्रेम, ये इंदिरा नगर कॉलोनी चंदौसी, इसके द्वारा CSC में अपनी पत्नी को एडमिट कराया गया था। वहाँ पर डिलीवरी या उसके समय बच्चे की डेथ हो गई, जिसकी शिकायत IGRS और अन्य जगह की गई है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनके आदेश पर यहाँ पर जो डेड बॉडी है उसको निकाल कर इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। वहाँ के उपरांत जो अन्य कार्रवाई उसके उपरांत की जाएगी। चंदौली में पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान धनंजय सिंह बीजेपी के सवाल पर खुलकर बोले, हम जदयू के महासचिव हैं और यूपी को मजबूत कर रहे हैं। वहीं परिवहन मंत्री के साथ फोटो पर कहा, राजनीति है, फोटो पर कयास लगाना उचित नहीं है। चंदौली हम लोगों के छात्र जीवन से, आप स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी प्रमुख रहे यहाँ से, और बड़ा पुराना रिश्ता था हम लोगों से, 30 वर्षों से अधिक का पुराना रिश्ता था। तो उन्हीं आए थे, आज द्वार करने के लिए आए थे, परिवारजनों से मिला मैंने। हरदोई में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े चोरों ने ऑटो की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि एक युवक आया और बहला फुसला कर सामान दिखाने के लिए ले गया, तभी दूसरा आरोपी ऑटो चोरी कर भाग गया। चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
गाजीपुर के मोहनपुरा गांव में राजनेताओं का जमावड़ा लगा है। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा के पैतृक घर में भागवत कथा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। और आज उन्होंने अपने गाँव के भीतर एक पारिवारिक कार्यक्रम श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया था, उसमें आज उसका समापन समारोह है। इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ आज कार्तिक पूर्णिमा का दिवस भी है और साथ साथ में आज ग्रहण भी लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में गंगा के तट पर आना और श्रीमद भागवत कथा के समापन के अवसर पर रहना, यह अपने में ही एक पुण्य प्राप्त करना है। और मनोज सिन्हा जी का आज आमंत्रण मिला था, उसमें हम आए हैं। आदरणीय मनोज सिन्हा जी के बुलावे पर हम सब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण के लिए आए हुए हैं। और आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में अपने एलजी के शासनकाल में जिस ढंग से देश को जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे जोड़ने का काम किया है, ये बहुत अद्भुत है। और हम सब उन्हें प्रणाम करने के लिए आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ वही लोगों को हक और हुकूक मिल रहे हैं जो गाजीपुर के लोगों को मिल रहे हैं। और जब तक धारा 370 और 35A था, तब तक वहाँ लोगों को ना प्रधानमंत्री आवास मिल रहा था, ना उज्ज्वला गैस मिल रहा था, ना आयुष्मान कार्ड जैसी जो सैकड़ों योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएँ हैं। खबर औरैया के इरवा कटरा थाना क्षेत्र से है, जहां त्रैमासिक परिचायकता अभियान के दौरान जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस दौरान थाना अध्यक्ष और निरीक्षक राम सहाय पटेल, उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।